अभी फिलहाल हमारे यहाँ पे एक और एक नया ऑप्शन है हमारे पास कि कोई फिश का हमारे यहाँ पे ब्रीड हुआ है। ये जापनीज कोई का एक वैरायटी है, ये अभी 5 दिन के बच्चे, ये ग्रीन क्रोमाइड है, पर्ल स्पॉट बोलते हैं। अच्छा। ऐसे पोलर बेल्ट आपको यहाँ पे पेरेंट स्टॉक देखने को मिलेगा। अच्छा। ये गोल्डन सिवराम है, ये अभी मैग्मा और KML करके अच्छा है। यहाँ पे एक येल्लो शेड में डिस्कस है, वो करीब 3.5 इंच का साइज है। पेंसिल फिश का जो रेट है वो 5 रुपया पर पीस है। झींगा वाला मच्छी नहीं चाहिए उनको, ये पालने के लिए अच्छा है। ये टाइगर ऑस्कर है, ये पर्ल अरवाना है, सुपर हाई बैक गोल्डन अरवाना है। यहाँ पे दोस्तों अभी बेटा फिश की भी वैरायटीज आपको देखने के लिए मिलेगी। दोस्तों मैं आज सुयश एक्वेरियम में जो है रत्नागिरी का बिगेस्ट एक्वेरियम फिश शॉप, और आज मैं इनके पास कवर करने के लिए आया हूँ न्यू एक्वेरियम फिश का स्टॉक। दोस्तों सुयश एक्वेरियम में आपको हर एक रेंज में एक्वेरियम फिश की वैरायटीज अवेलेबल रहते हैं। इनके पास 5 रुपीज से जो फिश है उसका अमाउंट वो स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे आप अलग अलग वैरायटीज के फिश आप देख सकते हो, काफ़ी हेल्दी स्टॉक इनके पास रहता है। काफ़ी पॉपुलर फिश शॉप है रत्नागिरी में, बहुत सारे जो व्यूअर्स है रत्नागिरी से नियर बाय वो आते हैं इनके पास से, फिश एक्सेसरीज का स्टॉक है वो बाय करते हैं। तो दोस्तों अभी हम मुलाकात करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले सुयश एक्वेरियम के ओनर से, जिनका नाम है सुयोग भागवत। हमारे सामने है सुयोग सर, जो सुयश एक्वेरियम के ओनर है। हाय सर, आप कैसे हो? मज़े में हूँ। काफ़ी अच्छा एक मौका है आपके पास मैं आया हो, पूरा आपका स्टॉक है वो कवर करने के लिए। आपके पास बहुत सारी जो वेराइटीज़ के एक्वेरियम फिश रहते हैं, बहुत सारे व्यूअर्स आपके स्टॉक को अप्रिशिएट करते हैं, तो एक ब्रीफ में बताइए कहाँ का कौन सा स्टॉक है, और बाद में हम लोग वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अभी सुयश एक्वेरियम का एड्रेस जो है वो है 867 इंदिरा छाया, नियर JK Files, केशव नगर, बिहाइंड LG शोरूम, रत्नागिरी। अच्छा, और अभी आपके पास कौन से स्टॉक है एक ग्रिप में बताइए। अभी वैरायटी में फिलहाल एंजल फिश है, डिस्कस है, ग्रीन क्रोमाइड है, स्कैट फिश है, मोनो एंजल है, गप्पीज है, डॉलर है, सिवेराम है। अच्छा, कोई फिश का हमारे यहाँ पे ब्रीड हुआ है। अभी फिलहाल ठंडी का मौसम था तो यहाँ पे मेरे पास अभी एक 6 या 8 पीसेस का कोई का ब्रूड स्टॉक था, तो उसमें से बच्चे यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे। तो सुयश एक्वेरियम जस्ट एक शॉप भी नहीं है, इनको काफ़ी अच्छा नॉलेज है ब्रीडिंग में भी। एक अपॉर्चुनिटी मिला तो ये ब्रीड भी करते हैं एक्वेरियम फिश का। बहुत सारे व्यूअर्स है उनको ऐसा लगता है कि कोई फिश पॉन्ड में ब्रीड होते हैं, बट अगर आप अच्छा खासा एनवायरनमेंट दोगे, हेल्दी आप एनवायरनमेंट रखोगे, तो ज़रूर आपके टैंक में भी ब्रीड हो सकते हैं। तो सर काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। अभी है हम लोग स्टॉक है वो कवर करने के लिए स्टार्ट करते, तो कहाँ से शुरुआत करें? अभी यहाँ पे आप ये पहले वाला अपना जापनीज कोई का एक पैर है, तो ये देख सकते हो यहाँ पे। ये जापनीज कोई का एक वैरायटी है। वाह, ये करीब 8 इंच प्लस साइज है उसका। अच्छा, एक पैर दिख रहा है आपको जापनीज का। यस, उसके बाद आपको वहाँ पे एक ब्लैक कोई का पैर दिखने को मिलेगा। यस, और उसके साथ कोई कुछ ऐसे ऑरेंज कोई है। बराबर, तो जो मैं अभी बताया आपको कि जो हमारे यहाँ पे ब्रीडिंग हुआ है वो वही पीस जो दिख रहे हैं ना आपको, ब्लैक कोई और ऑरेंज कोई, उनका ही ब्रीडिंग हुआ है। उनके बच्चे हमारे पास अभी अवेलेबल है। वाह, और बाद में भी ये हम फिर से ब्रीड कर सकते हैं। वाह, बोला ऐसा नहीं ना कि जैसे कि पॉन्डी इनको जरूरत है? नहीं, अभी टेम्परेचर का जो मेन फैक्टर रहता है कि जब हमारे पास ब्रूड स्टॉक है और अगर उनको जो सही टेम्परेचर चाहिए, मीन्स ठंडी के मौसम में ज़्यादा तक गोल्डफिश और कोई ब्रीड होता है, तो ठंडी का मौसम के हिसाब से जब थोड़ा टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो वो एक देना चालू करते हैं। अच्छा, वो नेचुरल ब्रीडिंग में भी आता है और इंजेक्ट करके भी कुछ वैरायटी का ब्रीड किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पे ये नेचुरली ब्रीड हुआ है। अच्छा। हमारे यहाँ पे जो टैंक था उसमें हमने हाइड्रिला का जो बंच रहता है, हाइड्रिला प्लांट, बराबर, वो डाल के रखा था, तो उसके ऊपर एग्स दिया उन्होंने, बाद में हमने वो निकाल दिया। ये ब्रीडिंग के लिए यूजफुल है। अभी जैसे मेल हमें ज़्यादा क्वांटिटी में मिलेंगे तो ज़्यादा ब्रीडिंग के लिए हम उनका यूज़ कर सकते हैं। अरे, एक ऐसे सेलिंग के लिए है? हाँ, जापनीज कोई जो है उसमें से जो पेयर है ना वो 3500 का पेयर है। वाह, और बाकी जो छोटे मच्छे दिख रहे हैं आपको वो 550 रुपये जोड़ी है। अच्छा, तो वैसे देखो कोई फिश यहाँ पे जापनीज कोई भी है तो 3500 का पेयर है और ये 550 का पेयर है, तो इससे पता चलता है कि जो प्राइजिंग रहता है वो ब्रीड के ऊपर रहता है,
कोई फिश के साइज के ऊपर रहता है, देख सकते हैं यहाँ पे सिमिलर साइज है तो भी कॉस्टिंग में फर्क है, क्योंकि ये प्रॉपर जैपनीज कोई फिश है और जैसी वेराइटी रहेगी, जैसे ब्रीड रहेगी, उसकी हिसाब से प्राइजिंग है वो वेरी होते जाता है। तो अभी हम कोई फिश के बेबी जो उसको देखेंगे, बहुत सारे व्यूअर्स अभी वेट करते रहेंगे बेबीज का, तो अभी हम दिक्कत है, सारे बेबीज है। अरे कितने मतलब कितने दिन के बेबी थे ये? अभी 5 दिन के बच्चे। अच्छा 5 दिन के? हाँ। वाओ। इनको अभी क्या फीडिंग कर रहे हो सर? अभी इनको डेफनिया और मोइना का जो कल्चर रहता है बराबर, उसमें से मेज साइज के हिसाब से थोड़ा फिल्ट्रेशन करके जो पानी आता है ना, उसमें से जो स्मॉल साइज मीन छोटा वाला जो साइज का डेफनिया रहेगा वो हम उनको खिलाते हैं, और हम ड्राई फीड में भी थोड़ा माइक्रो फीड है मेरे पास। अच्छा। वो भी खिला रहे हैं उनको। वाह, मेरे तो लगता है 1000+ बेबी रहेगी ना सर? हाँ यस यस, क्वांटिटी अच्छा मिलता है। कोई फिश का जो साइज रहेगा, जितना उनका वेट रहेगा ना, उसके हिसाब से क्वांटिटी में एग्स मिलता है हमें। खाना हमने अगर उनको अच्छा दिया तो वो सब बढ़ाने में हमें दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा कितना दिन लगा हैचिंग होने के लिए? हैचिंग हमारे पास 36 आवर्स में बच्चे निकल के आए। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हो 2 वेराइटीज के एक्वेरियम फिश है, तो हम लोग फर्स्ट यहाँ पे कवर करें। सर कौन सी फिश है ये? ग्रीन क्रोमाइड है, पल्स स्पॉट बोलते हैं। अच्छा, बॉडी के ऊपर आपको पल्स जैसे स्मॉल स्पॉट्स देखने को मिलेंगे। अगर आप ऐसा स्टोन्स में रखते हो ना प्रॉपर ऐसा हार्डस्केप बना के, तो ये दिखने में बहुत अच्छा दिखता है। और ब्रैकिश वाटर मच्छी है ये, अभी हमारे पास 2 इंच और 4 इंच के साइज में अवेलेबल है। बराबर। स्कैट फिश भी है, वो भी 2 इंच और 4 इंच+ साइज में अवेलेबल है। ये दोनों मच्छी आप एक साथ रख सकते हो। ग्रीन क्रोमाइड जो है वो उनको आप मल्टीपल चॉइस खाना दे सकते हो, खाने का इतना उनका प्रॉब्लम नहीं रहता है, वो एक्सेप्ट करते हैं। स्कैट फिश के लिए आपको थोड़ा हर्बिवोरस खाना, ओमनिवोरस मच्छी है लेकिन हर्बिवोरस खाना वो ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छा। तो अलगी देंगे तो अच्छे हिसाब से वो रहते हैं, बाद में आप उसको बाकी का लाइव फीड ब्लड वर्म्स वगैरह खिला सकते हैं। अच्छा, मतलब ओमनिवोरस है क्या? हाँ ओमनिवोरस, दोनों मच्छी ओमनिवोरस है। अच्छा अच्छा, क्या सर इनका प्राइस रहेगा? ग्रीन क्रोमाइड का जो प्राइस है वो 150 रुपीज़ पर है 2 इंच साइज का, और 4 इंच का जो साइज है उनका 300 रुपीज़ पर है। और स्कैट? स्कैट फिश जो है वो 150 का 2 इंच का साइज आएगा, और 350 में आपको 4 इंच प्लस का साइज मिलेगा। तो अभी यहाँ पे दोस्तों हम मोनो एंजल कवर कर रहे हैं। सर क्या साइज है इसको? मोनो एंजल हमारे पास अभी ये 4 इंच का साइज है। हाँ, ये 250 रुपीज़ पर है। और स्कैट? स्कैट जो है वो 150 रुपीज़ पर है, 2 इंच का साइज है इसमें भी। ये ग्लो फिश हम आपको देखने को मिलेंगे, और पोलर पैरेट है और डिस्कस फिश है, ये कम्युनिटी टैंक जैसे बना के रखा है, क्योंकि साइज जब तक उनका छोटा है पोलर पैरेट का, तो बाकी मच्छी के साथ वो कंपेटेबल रहते हैं। अच्छा, ये डिस्कस का क्या प्राइस है? डिस्कस का प्राइस 900 रुपीज़ पैर है। यस, 1.25 to 1.5 इंच का साइज है, और जो ऑरेंज दिख रहा है उनका साइज है करीब 2 इंच का है, और 1800 रुपये जोड़ी रेट है उनका। अच्छा, और ये पोलर पैरेट? पोलर पैरेट का 100 रुपये जोड़ी का पैर है, उसमें वाइट और ब्लैक ब्लू दोनों साइज में आपको मिलेगी। ये हमारे यहाँ पे ही ब्रीड हुआ हुआ है। अच्छा, उनका जो पेरेंट्स है वो वहाँ पे रखे हैं, ये ब्रीड हुआ था लास्ट में मंथ में। ये ब्लू और वाइट से पोलर पैरेट आपको यहाँ पे पेरेंट स्टॉक देखने को मिलेगा। अच्छा, इनका ही ब्रीडिंग हुआ था लास्ट मंथ में। वाह, और बच्चे थोड़े बहुत हमने सेल किए उसमें से। अच्छा, इनका साइज करीब 2.5 इंच+ है बॉडी साइज। कलरेशन भी अच्छा है, डार्क कलर है। इतने साइज में ब्रीड होते हैं ना? हाँ, ये साइज में ब्रीड हो सकते हैं ये, और फिलहाल अभी उनको सेपरेशन किया, बड़ा टैंक दिया तो वो ब्रीड हो जाएंगे। इसमें 2 पेयर है। यहाँ पे दोस्तों अभी हम एंजल फिश की वेराइटीज कवर कर रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी ब्यूटीफुल एंजल फिश है। सर कौन सी है ये? कोई एंजल है, करीब 1.5 इंच का साइज है। यस, और अभी हमारे पास यहाँ पे 25 पीस अवेलेबल है। वाह, अप्रोक्सीमेटली क्या इनका प्राइसिंग है? ये प्राइस मिलेगा 75 पर पीस। वाह, ये गोल्डन सिवराम है, और उसके साथ आपको डॉलर का एक पेयर देखने को मिले।
ये बड़े साइज में है। गोल्डन सिल्वरम का जो साइज है वो करीब 5 इंच प्लस है और डॉलर आपको देखने को मिलेंगे करीब 4 इंच प्लस के डॉलर है। उसके बाद पल गुरामी है उसमें मेल फीमेल। क्या इनका प्राइसिंग है? पल गुरामी आपको 300 रुपये जोड़ी करेंगे। अच्छा। 150 पर पीस और सिवेराम का प्राइस है 500 पर पीस। अच्छा। और डॉलर जो दिख रहा है वो 150 पर पीस। नियॉन टेट्रा प्लांटेड टैंक में हम रखते हैं, स्कूलिंग फिश है ना। yes. तो वो डजन में हम बेचते हैं यहाँ पे 280 पर डजन रेट है। यहाँ पे आपको एम्पेरर टेट्रा देखने को मिलेंगे और उसके साथ आपको कॉरिडोरस कैटफिश है नीचे। अल्बिनो कॉरिडोरस है और कॉपर कॉरिडोर। यस। और उसके साथ आपको ड्वार्क गुरामी भी रखे हैं हमने। ये एक सिंपल सेटअप किया था सैंड डाल के, वाइट सैंड। तो पानी भी अच्छा दिख रहा है और कलरेशन भी मच्छी का अच्छा दिख रहा है उसमें। क्या प्राइस देंगे? ड्वार्क गुरामी का प्राइस 250 पर पेयर है, 125 पर पीस। अच्छा। और इम्पेरियल टेट्रा जो दिख रहा है वो 100 रुपीस पेयर है, 50 रुपए का एक पीस। और ये सर कॉरिडोरस कैटफिश का पेयर है वो 100 रुपए का पेयर है, 50 रुपए का एक पीस। और एक ग्रीन, ग्रीन का भी सेम रेट। अच्छा। गप्पी में आपको मिक्स लॉट है गप्पी का, सेंटा क्लॉज गप्पी, ब्लैक गप्पी, कोबरा गप्पी, मिक्स लॉट है, 80 रुपीस पेयर है। यहाँ पे ये रेड सिवेराम मच्छी है, 3 इंच का साइज है और 250 पर पीस उनका रेट है। पैरट और ऑस्कर के साथ ये मच्छी हम रख सकते हैं। जैसे पैरट और ऑस्कर थोड़े एग्रेसिव रहते हैं तो सिवेराम थोड़ा सेमी एग्रेसिव मोड में जाता है। तो छोटे मच्छी के साथ भी सिंगल पीस या डबल पीस आप रख सकते हो। अगर उनका पेयर है तो थोड़ा झगड़ा करते हैं बाकी मच्छी के साथ, लेकिन नहीं तो ये अच्छा रहने वाला मच्छी है और स्टडी मच्छी है। कलरेशन भी बहुत अच्छा आता है पैटर्न बॉडी के ऊपर बाद में। ये कॉमन ऑर्डिनरी कोई फिश और गोल्ड फिश है। गोल्ड फिश का जोड़ी 50 रुपये जोड़ी रेट है, 25 रुपये का एक पीस है और कोई का 60 रुपये जोड़ी रेट है, 30 रुपीस का एक पीस। ये नॉर्मल मोली है ना, वाइट मोली, ब्लैक मोली, गोल्डन मोली, 50 रुपीस पर पेयर रेट है। और सर यहाँ पे रेड कलर का गप्पी है और मिक्स गप्पी है, 40 रुपीस पर पीस रेट है इनका। यहाँ पे टिनफॉइल बार्ब है और अल्बिनो टिनफॉइल बार्ब है और किसिंग गुरामी है। टिनफॉइल बार्ब 100 रुपीस पेयर है, अल्बिनो टिनफॉइल बार्ब 120 रुपीस पेयर है और किसिंग गुरामी जो है वो 70 रुपीस पेयर है। और यहाँ पे आपको ओरांडा गोल्डफिश देखने को मिलेगा, रेड कैप ओरांडा, ऑर्डिनरी ओरांडा और कॉपर ओरांडा। तो जो ऑर्डिनरी ओरांडा है वो 200 रुपीस पेयर है और रेड कैप ओरांडा जो है वो 300 रुपीस पेयर है। साइज रेड कैप ओरांडा का 2.5 इंच बॉडी साइज है और ऑर्डिनरी ओरांडा और कॉपर ओरांडा जो है वो 1.5 इंच बॉडी साइज है। यहाँ पे आपको टाइगर ऑस्कर देखने को मिलेगा, बेल्टेड टाइगर ऑस्कर है, 500 रुपीस पेयर है, साइज उनका 3 इंच के करीब है। टाइगर वाब ऑर्डिनरी टाइगर वाब है वो आपको 240 पर डजन मिलेगा। यहाँ पे आपको अल्बिनो प्रिस्टेला, ग्लोलाइट टेट्रा और नियॉन रेनबो, ये 3 वैरायटी रखा है। ये प्लांटेड टैंक के लिए सूटेबल है और नियॉन टेट्रा के साथ रख सकते हो। नियॉन टेट्रा का जो साइज रहता है उनको कंपैटिबल साइज है ये, तो स्कूलिंग में आप ये सब वैरायटी रख सकते हो। क्या प्राइस देंगे? अल्बिनो प्रिस्टेला जो है वो 60 रुपीस पेयर है, ग्लोलाइट टेट्रा जो है वो 50 रुपीस पेयर है और नियॉन रेनबो जो है वो 100 रुपीस पेयर है। और सर यहाँ पे ग्लोफिश आपको देखने को मिलेगा, स्मॉल साइज का ग्लोफिश है, ये 50 रुपये जोड़ी रेट है इनका और इसमें 4 कलर आता है। फिलहाल हमारे पास 2 कलर अवेलेबल है लेकिन इसमें 4-5 वैरायटी आपको मिलेगा। और सर ये सर्पी टेट्रा है, ये भी मच्छी प्लांटेड टैंक में रखते हैं लेकिन इनका एक थोड़ा प्रॉब्लम है कि नियॉन टेट्रा के साथ अगर रखेंगे तो उनका जो टेल रहता है उनको ये नीप करते हैं। तो नियॉन टेट्रा के साथ आप ये मच्छी मत रखो। बाकी टेट्रा जो ग्लो फिश है, बाकी बड़े वाले साइज के जो टेट्रा है, रेड आई टेट्रा है, उनके साथ ये मच्छी आप सब रख सकते हो। रेड आई टेट्रा हमारे पास थोड़ा बड़ा साइज में है, वो 70 रुपीज़ पेयर है। सर्पी टेट्रा जो दिख रहा है वो स्मॉल साइज है थोड़ा, वो 50 रुपये जोड़ी है।
यहाँ पे आपको मिक्स गप्पी मिलेगा, ये 70 रुपीज पेयर है, मेल फीमेल है। और यहाँ पे सर? यहाँ पे स्कार एंजल है, ये 1.25 इंच का साइज है, 50 रुपीज पेयर है। ये कॉमन ऑर्डिनरी रेड गप्पी है, ये आपको 250 पर डजन मिलेगा। यहाँ पे आपको टेट्रा वैराइटीज है, इसमें बिनोस टेट्रा है और एक रेड आई टेट्रा भी उसमें थे थोड़े, इनका रेट है 50 रुपये जोड़ी। बिनोस टेट्रा का रेड आई टेट्रा जो दिख रहा है वो 70 रुपीज़ पर है, थोड़ा बड़ा साइज है इसमें। यहाँ पे कोस्टा टेट्रा है, ये सब प्लांटेड टैंक में सूटेबल मच्छी है। कोस्टा टेट्रा जो है वो 60 रुपीज़ पर है, और उसके साथ आपको कुछ ब्लैक नियॉन टेट्रा भी देखने को मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे हमें 15 या 20 टेट्रा वैरायटी मिलेगा कि जो प्लांटेड टैंक में आप कम्युनिटी में रख सकते हो, और ये हमारे यहाँ पे रेगुलरली अवेलेबल रहता है। और ये सर फ्लोरोन? ये फ्लोरोन है, ये 1500 रुपये पर पीस है, ये अभी मैग्मा और KML करके पैटर्न काफी अच्छा है। हाँ, पैटर्न अच्छा है और हेड भी इसका काफी अच्छा है, मतलब पैटर्न हाँ, के साथ हेड भी है। हाँ, ये अभी थोड़ा उनको हीटर वगैरह आप लगाएंगे तो थोड़ा हेड उनका अच्छा बढ़ेगा। यहाँ पे ऑर्डिनरी जेब्रा डेनियो है और पिंक डेनियो है। यस, ये आपको प्लांटेड टैंक में रख सकते हो आप, और कॉमन मच्छी है तो इजी टू मेंटेन है। और इनका रेट जो है वो 180 रुपीज पर डजन है। अच्छा, 180 का। हाँ, दोस्तों मैं यहाँ पे डिस्कस फिश के काफ़ी ब्यूटीफुल वेराइटीज कवर कर रहा हूँ, सारे कौन से डिस्कस है इसमें? यहाँ पे एक येल्लो शेड में डिस्कस है, वो करीब 3.5 इंच का साइज है। यस, उनका कलरेशन बहुत अच्छा है। मैंने यहाँ आज तक बहुत वैरायटी के डिस्कस मंगवाए, उसमें से ये मेरा एक खूबसूरत पसंदीदार कलर है। और उसमें भी पैटर्न वाला भी एक वैरायटी है और प्लेन में एक वैरायटी है। जल्लो में जो दिख रहा है आपको वो 1500 रुपया पर पीस है। wow. और ये जो रेड वाले जो मैप वाले जो दिख रहा है वो 1250 पर पीस उनका रेट है। अच्छा, और उसके साथ आपको एक रुकिन गोल्डफिश का स्टॉक देखने को मिलेगा। hmm. बहुत अच्छा वैरायटी है ये, इसका रेट आपको 500 रुपीज पर है, लेकिन क्वालिटी इम्पोर्ट लाइन में से अच्छी है ये। ये स्नो वाइट का एक डिस्कस है, ये 3000 रुपीज पर पीस है। तो सर डिस्कस फिश की काफ़ी अच्छी वेराइटीज है, ज़रूर आप आ सकते हो काफ़ी रिजनेबल रेट में। 1500 का पर पीस दे रहे हैं यहाँ पे, तो प्राइस भी इनका काफ़ी रिजनेबल है। काफ़ी कम जगह पे ऐसा ब्यूटीफुल डिस्कस फिश का स्टॉक है, सेट डिस्कस फिश आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अभी हम इरिडिसेंस शार्क कवर कर रहे हैं, जिसको टाइगर शार्क भी बोलते हैं और नॉर्मल शार्क भी बोलते हैं, फ्रेश वाटर शार्क। सर क्या साइज़ है और क्या प्राइस है इनका? ये करीब 12 इंच का साइज़ है और रेट इनका है 600 रुपीज पे। अच्छा, और ये सर कोए? कोई एक जापनीज कोई का पीस है वो। हाँ हाँ, वो आपको मिलेगा 400 रुपीज पर पीस। यहाँ पे ऑर्डिनरी गोल्डफिश है, 2.5 इंच का साइज है और उनका रेट जो है वो 100 रुपीज पे है। अच्छा, यहाँ पे आपको डॉक्टर फिश देखने को मिलेंगे और पेंसिल फिश करके एक वैरायटी है और जाइंट डेनियो करके, ऐसा तीन वैरायटी है उसमें। पेंसिल फिश का जो रेट है वो 5 रुपये पर पीस है। कौन सा पेंसिल फिश है? पेंसिल फिश ये दिख रहा है ना, ये ऑर्डिनरी, उनके ऊपर एक लाइन रहता है सर। अच्छा हाँ, ये और ना? ये हाँ, जिनको ज़्यादा महंगा वाला मच्छी नहीं चाहिए उनको ये पालने के लिए अच्छा है, और बहुत स्टर्डी मच्छी है, इजी टू मेंटेन है, खाना आप उनको कुछ भी दे सकते हो। अच्छा, और उसके बाद आपको डॉक्टर फिश मिलेगा, डॉक्टर फिश का रेट 15 रुपये पर पीस है, ये पेडी केयर में कुछ जगह पर यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे आपको एक जायंट डेनियो करके मच्छी है, ये प्लांटेड टैंक में हम रख सकते हैं जायंट डेनियो, वो 10 रुपीज पर पीस है। अभी हम ऑस्कर फिश की वैरायटीज कवर कर रहे हैं, सर बताइए। ये टाइगर ऑस्कर है, उसका साइज जो है ना करीब करीब 8 इंच का है। वाह, ये ब्रूड स्टॉक जो रहता है ना उसमें ये साइज का मच्छी आपको देखने को मिलेगा। यस, और इसका रेट जो है वो 2000 रुपीज पर पीस है। इसका पैटर्न आप देखोगे तो अच्छा लगेगा, काफ़ी अच्छा, और कलर भी काफ़ी अच्छा है। हाँ, इसका और बिग भी है। हाँ, बहुत बड़ा साइज, बड़े साइज में अगर कोई देख रहा है ऑस्कर फिश तो दोस्तों आप कांटेक्ट कर सकते हो। और ये सर? ये रेड फायर ऑस्कर का पेयर है। यस, ये भी 1400 रुपये जोड़ी है। अच्छा, इसका साइज करीब करीब 5 इंच का है। ये पर्ल अरवाना है,
ये करीब 4 इंच का साइज है और 3500 पर पीस है। और यहाँ पे सर? यहाँ पे आपको अल्बिनो रेडा सिल्वर अरवाना देखने को मिलेगा। अच्छा, इसका साइज 3.5 to 4 इंच साइज है। यस, ये थोड़ा अलग वैरायटी है। नॉर्मल सिल्वर अरवाना मार्केट में हमें देखने को मिलती है, अल्बिनो थोड़ा रेयर वैरायटी है। इसका रेट 3000 रुपीज पर पीस है। और बाजू में आपको सिल्वर अरवाना ऑर्डिनरी देखने को मिलेंगे, वो 4 इंच प्लस साइज है, 1000 रुपीज पर पीस है। और ये सर? ये भी सिल्वर अरवाना है। अच्छा, वो भी 4 इंच प्लस है, उसका भी रेट सेम 1000 रुपीज पर पीस। सुपर हाई बैक गोल्डन अरवाना है, ये करीब करीब 10 इंच के करीब है। यस, और रेट इसका 16000 पर पीस। ये क्वीन हू फार्म का अरवाना है। अच्छा, और ये यहाँ पे सर? यहाँ पे आपको वाइट बलून मोली, ब्लैक बलून मोली और ग्रे बलून मोली देखने को मिलेगा। यस, ये 70 रुपीज पर पेयर है। यहाँ पे आपको अल्बिनो टाइगर शार्क देखने को मिलेगा, ये 70 रुपीज पर पेयर है। यहाँ पे दोस्तों अभी बेटा फिश की भी वेराइटीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी, अलग अलग वेराइटीज़ के बेटा फिश है। ये देखिए सर, कितने प्राइस से स्टार्ट होते हैं बेटा फिश का प्राइस? ऑर्डिनरी बेटा जो है वो 80 रुपीज पर पीस है। हाँ, ये अभी आपके सामने जो है वो हाफ मून बेटा है। हाँ, ये हमारे पास 200 to 250 पर पीस इनका रेंज है। और वाइट और कुछ निमो कैंडी वगैरह जो आता है वो 300 से लेके 500 तक उनका रेट है। सो सुयश एक्वेरियम में आपको एक्सेसरीज के अलग अलग वेराइटीज भी देखने के लिए मिलेगी। फूड से यहाँ पे इनके पास बाद में यहाँ पे टर्टल का भी फूड है, तो काफ़ी अच्छा इनके पास रेंज रहता है। मेडिसिन भी यहाँ पे पीछे अवेलेबल है, तो मतलब वन स्टॉप ऑल सोल्यूशन आप बोलते हो तो वैसे इनका शॉप है। आप यहाँ पे आओ तो आपको एक्सोटिक मॉन्स्टर, रेगुलर एक्वेरियम फिश के साथ आपको वेराइटीज के फूड, मेडिसिन, टर्टल के लिए आपको फूड देखने के लिए मिलते हैं। प्लस अगर आपको कस्टमाइजिंग टैंक भी चाहिए तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो ज़रूर आप इंक्वायरी कर सकते हो सारे एक्सेसरीज के लिए, फूड के लिए और एक्वेरियम फिश के लिए। तो सुयक सर, काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके, पूरा हमने एक्वेरियम फिश का स्टॉक है वो कवर किया है। तो अलग अलग वेराइटीज के हमने फिश कवर किए, वो भी विथ प्राइजिंग हमने कवर किए। तो अभी हम एंड पार्ट में, तो आप क्या बोलना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को? अभी ये सब वैरायटी जो है वो यहाँ पे अवेलेबल रहता है, अगर किसी को लेने का है तो व्हाट्सअप या कॉल करके वो ऑर्डर दे सकते हैं। अच्छा। और हमारे यहाँ पे शिपिंग, हम मैक्सिमम एरियाज में शिपिंग करने का जो पॉसिबिलिटी है वो जब जहाँ पे इजी गोइंग है वहाँ पे हम दे देते हैं। अच्छा। और वाया बस, ट्रेन और कुरियर हम डिस्पैच करते हैं, और लाइव गारंटी है मच्छी का, तो आप ऑर्डर दे सकते हो यहाँ पे हमारे। हाँ, यो शेखवन में आके आप खरीद सकते हो। तो ऐसे कम ही शॉप है जो लाइव अराइवल गारंटी देते हैं डिस्पैच में भी, तो सुयश एक्वेरियम में है अवेलेबल, तो आप ज़रूर आ जाओ। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन करके रखी है, तो आ जाओ, आपको काफ़ी अच्छा स्टॉक यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। मैं जैसे मैंने बोला कि बिगेस्ट फिश शॉप है रत्नागिरी का, इतना बड़ा शॉप आपको रत्नागिरी में कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, और इतनी वेराइटीज आपको कहाँ पे भी देखने के लिए नहीं मिलेगी रत्नागिरी में, या फिर यहाँ पे जो नियर बाय जो विलेजेस है, गांव है, तो इतनी ज़्यादा वेराइटीज कोई रखता नहीं है जो सुयश एक्वेरियम में आपको मिलेगा। तो थैंक यू सुयक सर। यस वेलकम। अच्छा लगा आपसे मिलके, पूरा हमने स्टॉक कवर किया। थैंक यू वेरी मच। यस वेलकम सर।